I live inside my own world of make-believe. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है. आज की वीडियो में आपको बाइक रैप के ऊपर बताऊंगा. मैंने कुछ रैप कर रहे थे बाइक के ऊपर, बहुत पहले कराया था, पर आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ आप रैप में यूज़ कर सकते हो कि आपकी बाइक ये ना लगे कि इलीगल है, वो रैप आपका लीगल लगेगा. तो और जो रैप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत छोटी छोटी जगहों में हो रखा है, ऐसा लगेगा नहीं कि वो रैप हुआ है, पर वो हुआ है जिससे आपका बाइक का लुक इनहेंस हुआ है. तो चलते हैं गाइस बाइक के पास और मैं आपको निकालते हैं और चलते हैं ब्लॉगिंग के लिए. फिर आपको दिखाता हूँ क्या. और ये यार अपने बुलेट करिए, इसके ऊपर ही बनाएंगे. इसको वॉश करते हुए आपको मैं बताऊँगा क्या चीज़ का ख्याल रखना है. और एक चीज़ मैंने की है अपने बाइक के साथ वॉश करते समय, उससे शाइनिंग आई है, इसका ब्लॉग बनाएंगे. तो गाइस हम आ गए हैं अपनी बाइक के पास, तो आपको दिखाता हूँ मैं अपनी बाइक. तो आप गैस करके बताओ कि इसमें कराया गया. ये रही अपनी टेपिंग. अच्छा एक बात और भी है, ये टेपिंग को कराया बहुत टाइम हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि ये फट फुट गई है, तो टाइम बहुत हो गया इसको कराया हुआ. वाइट कलर की टेप कराई थी, आगे का थोड़ा लुक सही आया था. सो गाइस ये आ गए हम अपनी हेडलाइट के ऊपर. अच्छा इसका कराने का फ़ायदा ये भी रहता है कि जैसे मेरे को अपनी बाइक बाहर खुलाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये टेप कराई थी कि अपना लुक भी बना रहे और बाइक खुले भी ना. तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ये बाइक. हमने ये देखो ये पूरी लाल होगी. अब हमें रेड ब्लफ लगाने की जरूरत भी नहीं. अगर आपको इसका रात का शॉट देखना होगा तो आपको वो भी दिखा दूंगा बाद में. सो गाइस ये हम आ गए अपने शॉकर में. इसमें मैंने लिखाया था वर्जन 2.0. अच्छा इसको लिखाने में बहुत ही टाइम लग गया था यार, कोई कर नहीं रहा था. तो दो तीन दुकानों में मैं घूमा तब जाके ये हो पाया, क्योंकि किसी को आ ही नहीं रहा था. और ये गाइस रेडियम है, रात को थोड़ा चमक जाता है, ये फ़ायदा होता है, थोड़ा लुक भी सही आ जाता है. दोनों साइड कराया था मैंने. सो गाइस ये अब हम आ गए अपनी गाड़ी के बाइक के बैक पोर्शन में. तो ये थी एक चीज़ जो मैंने कराई है, और एक ये रही जो कराई है, और एक ये, और ये थोड़ा लाइट में, और ये वाइट इसलिए कराया क्योंकि आपको पता ही है यार ब्लैक के साथ वाइट ही जचता है. तो ये था अपना थोड़ा डिटेल और लुक के लिए भी सही है, लुक भी सही आ रहा है वैसे. तो गाइस जो मैंने ये चीज़ करा रखी है, वाइट के ऊपर रेड टेप कराई है 3 लेयर की, जैसे स्पोर्टी लुक बन जाता है. वैसे मैं सोच रहा था पहले कि यहाँ से लेके जाऊँ, जैसे ये आगे आपको दिख रहा है, यहाँ से पूरा पीछे को लेके जाऊँ, पर नहीं यार वो ओवर हो गया था, आगे इसमें इतने ग्राफिक्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा खाली यहीं सही है, क्योंकि खाली खाली से लग रहा था पार्ट. सो गाइस अब हम आगे अपने मेरी बाइक के फेवरेट पार्ट में. ये जो मैंने कराया है गाइस मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा तभी मैंने कराया. और आपको लगेगा मैंने करा रखा है क्योंकि जो ये गैप है ना इसके अंदर करवा रखा है मैंने. और ये सब जो करा रखा है ये रेडियम है, रात को चमकता है ये भी, तो इससे लुक जो आपको बाइक का है वो एक अलग ही लुक निकल के आता है. ये देखो आपको मैं बैक से दिखाऊँ तो क्या लुक आ रहा है, ये देखो उसका साइड से भी ऐसे है. ये देखो साइड भी है और साइड भी है. तो
गाइस ये नंबर प्लेट तो आपने देख लिया, आपको लग रहा होगा यार आगे वाले में कोई दिक्कत है, तो आगे वाले में यार ये आपको पता ही यार FZ का क्या सीन है, लगाओ तो नंबर प्लेट बंदे मोड़ मोड़ के तोड़ देते हैं। तो दो नंबर प्लेट मैं चेंज कर चुका हूँ, अब नए के लिए यार अप्लाई कर रखा है लीगल वाली यार, तो जो आएगी तो वो लग जाएगी, फिलहाल के लिए मैंने ये लगा रखा है, तो वही है बस। सो गाइस ये सब था यार जो मैंने आपको बताना था अपनी बाइक के बारे में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्मैश द लाइक बटन। अच्छा गाइस यार मैं दो चीज़ आपको बताना भूल गया, पहली बात ये कि यार आपको कैसे लगी बाइक ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को कि कैसा मैंने काम कराया, और दूसरी बात यार ये कि आप गैस करके मेरे को ये बताओ कि ये इस बाइक को कितने साल हो गए। I live inside my own world of make-believe.